हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप देख रहे हैं मेरा चैनल स्टाइल विद शालू। और गाइस, आज का जो वीडियो है वो है एक ह्यूज शॉपिंग हॉल। कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जो मैंने पर्पल से परचेज किया है, और ये सब मैं आपके साथ शेयर करूंगी। अगर वीडियो लंबा होता है तो इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दूंगी। तो गाइस, आप जरूर देखना, बहुत ही ज्यादा यूजफुल प्रोडक्ट हैं, आपके लिए भी यूजफुल होंगे, मेरे लिए तो यूजफुल है ही। अगर इसमें से आपको कुछ भी पसंद आता है तो आप परचेज कर सकते हो पर्पल से। पर्पल पे बहुत ही अच्छे डिस्काउंट चलते रहते हैं, और इस टाइम तो डिस्काउंट चल रहे हैं, जो मैंने ये डिस्काउंट में ही परचेजिंग की है। और इस टाइम चल रहा है बाय वन गेट वन और बाय टू गेट वन टू, तो आप इस चीज का ऑफर का फायदा उठा सकते हैं। तो मैंने भी ये उसी ऑफर्स के दौरान ही खरीदा है। तो क्या क्या खरीदा तो वो मैं आपको दिखाऊंगी। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना और भी वीडियोस देखने के लिए। और अगर आपको और भी शॉपिंग हॉल देखने हैं तो नीचे मैं प्लेलिस्ट डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप एक बार जाके जरूर देखिएगा। मैंने बहुत सारे पर्पल के हॉल किए हैं, और भी हॉल है, नायका के हैं, सरोजनी नगर के हैं, तो एक बार जरूर जाके देखिएगा, आपको अच्छे लगेंगे। तो ये वीडियो ज्यादा लंबा हो जाएगा बातों के दौरान ही, तो मैं प्रोडक्ट दिखाती हूँ। इस बिलिंग से ही शुरू करते हैं। आप देख सकते हो कितनी लंबी चौड़ी बिल है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स इस बार ही मैंने परचेज किए हैं। तो फर्स्ट मैं शुरू करूंगी वीएलसीसी से, जो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद है। और मैं डायमंड फेशियल किट तो यूज कर ही चुकी हूँ, बहुत अच्छे व्यूज हैं उस पर। नहीं देखा है आपने तो एक बार जाके जरूर देखिए। दी है ये प्लैटिनम फेशियल किट। तो गाइस, इसका मैं देखती हूँ क्या इफेक्ट आता है। और अब मैंने खरीदी है ये प्लैटिनम फेशियल किट। तो गाइस, इसका मैं देखती हूँ क्या इफेक्ट आता है। वीएलसीसी की जो फेशियल किट होती है या फिर ब्लीच वगैरह होती है, तो मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद होती है। और गाइस, बहुत ही अच्छी होती है, इनका रिजल्ट भी बहुत अच्छा होता है। तो मेरे को इतना याद नहीं है कि मैंने कितना लिया है, बट इसका जो एमआरपी है वो 350 रुपीज है, बट 350 की नहीं है ये, तो यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी कितने की है। तो नेक्स्ट है मेरी ये वीएलसीसी की इंस्टेंट ग्लो ऑक्सीजन ब्लीच। तो गाइस, ये भी कितने में मिली है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी इसलिए, क्योंकि काफी सारे प्रोडक्ट्स हैं तो उनका याद नहीं रहेगा। बट इसकी एमआरपी जो है वो 100 रुपीज है, बट 100 रुपीज की नहीं मिली है मुझे। आई थिंक ये मेरे को 69 या ऐसे कुछ मिली है, तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी। और इसके बाद का जो नेक्स्ट प्रोडक्ट है वो ये वाला है, आप देख सकते हो काफी बड़ा है ना, और ये मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आया था। पहले मैंने इसका छोटा वाला लिया था नायका से, बट आपकी बारी मैंने पर्पल से परचेज किया है, और ये मुझे मिला है 200 रुपीज का। आप देख सकते हो 350 ml इसकी क्वांटिटी है, तो बहुत ही अच्छा है ये, बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर है गाइस, बहुत ही स्किन भी आपकी ग्लोइंग कर रही अच्छा थी। आप देख सकते हो मैं इसको ही यूज करती हूँ आजकल, तो ये बहुत अच्छा है। देन एक मैंने लिया था ये कलर, आप देख सकते हो ये है लॉरियल पेरिस कास्टिंग क्रेम क्रेम ग्लॉस कंडीशनर कलर, कंडीशनिंग कलर, आप देख सकते हो नो उमनिया। आप जानते हो कि मैंने स्मूथनिंग कराई है, तो जो लोग स्मूथनिंग कराते हैं उनके लिए कलर बेस्ट है। मैंने बहुत ही अच्छे से ये इसे यूज किया है, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है ये वाला कलर। और ये मिला है आई थिंक 180 ऐसे कुछ मिला है, इसकी एमआरपी जो है 199 रुपीज है। नेक्स्ट प्रोडक्ट मैंने लिया था ये ऑक्सी ब्लीच, आप देख सकते हो ऑक्सी ब्लीच, और इसकी एमआरपी है 82 रुपीज, बट ये मुझे डिस्काउंट में ही मिला है, तो आप देख सकते हो ये इस तरीके की है। तो आप देख सकते हो मैं वीएलसीसी के प्रोडक्ट्स भी और ये ऑक्सी ब्लीच भी यूज करती हूँ, तो ये दोनों ब्लीच जो है वो बहुत ही अच्छी है। अब आप मुझे आई थिंक मैंने तो वीएलसीसी की ब्लीच डायमंड ब्लीच का रिव्यू जो है वो डाल रखा है, और ये ऑक्सी ब्लीच का भी रिव्यू जो है वो डाल रखा है। अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार जाके जरूर देखिए। तो ये मैंने दोनों ब्लीच जो है वो ली है, ठीक है, जल्दी जल्दी बता रही हूँ इसीलिए आपको। पहले मैं आपको सारे बॉक्स के बॉक्स वाले जो है ना वो दिखा देती हूँ। मैंने बहुत दिन में शॉपिंग की है ना, इसलिए आप देख सकते हो। और एक ये मैंने लिया है स्विस ब्यूटी का हाइलाइटर प्लस मेकअप बेस, आप देख सकते हो।
तो गाइस ये मैं बहुत दिन से सोच रही थी लेने के लिए। इसकी पैकेजिंग आप देख सकते हो, तो इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है और इसमें मेरा शेड है शेड नंबर 3, यहाँ पर मेंशन है शेड नंबर 3, तो ये कुछ इस तरीके का है। सी अगर किसी के पास है तो मुझे एक बड़ी कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा है, प्राइमर प्लस ग्लोई बेस का ये काम करेगा। अगर जिनको डूई और ग्लोई बेस पसंद है, जिस टाइम मैंने इस टाइम कर रखा है ये अपना, अगर ये मेकअप आपने नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी जाके देखिए, ये पिंकी ग्लोई मेकअप है। तो आप देख सकते हो बहुत ही प्यारा है, आप पार्टी में कर सकते हो इस मेकअप को। और ये जो है ये आप यूज कर सकते हो मेकअप से पहले, जब भी फाउंडेशन अप्लाई करते हो उससे पहले आपको यूज करना है। एल्यूमिनेटर मिक्स है तो आपको अलग से डूई फिनिश पाने के लिए कोई भी अलग से बेस यूज करने की जरूरत नहीं है, इसी में ही है। तो आपका प्राइमर का भी काम कर जाएगा और उसका भी काम कर जाएगा, आप देख सकते हो। देन ऐसा ही मैंने एक और लिया है और बट वो प्राइमर नहीं है, वो भी स्विस ब्यूटी का ही है। तो आप देख सकते हो ये है इसकी पैकेजिंग, ये सभी जानते होंगे, ये है पर्ल का, पर्ल स्विस ब्यूटी मेकअप बेस है ये भी। ये आपको आप पहले लगाओगे और फाउंडेशन में मिक्स करके भी आप इसे लगा सकते हो। तो आप देख सकते हो इस तरीके का है और जिसमें मेरा शेड है शेड नंबर 02, आप देख सकते हो इस तरीके का है। तो आप इसे खाली चाहो तो आप इसे हाइलाइटर के तौर पे भी लगा सकते हो, बट इतना ज्यादा मैं नहीं कहूंगी आपको कि ये हाइलाइटर में वर्क करेगा। तो आप देख सकते हो ये इस तरीके का है, तो ये इस तरीके का है। तो हल्का हल्का आप इसे फाउंडेशन में मिक्स कर सकते हो तो आपको अच्छी फिनिश जो है वो दे देगा। तो ये भी मैंने कितने का लिया है तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूंगी, पर जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सारे एमआरपी से कम के ही मिलेंगे इस टाइम, क्योंकि वहां पर जो है वो सेल चल रही है तो आपको कम में ही प्रोडक्ट्स मिलेंगे। और एक मैंने लिया था ये स्विस ब्यूटी का ही आई शेडो पैलेट, अल्ट्रा मैट आई शेडो पैलेट, और ये कुछ इस तरीके का है। सी तो कुछ इस तरीके का है और शेड नंबर 01। और मेरा जो बैटरी है वो खत्म हो रही है क्योंकि मैंने ऑलरेडी दो वीडियो शूट कर लिया है, बहुत दिन बाद वीडियो शूट किए थे। मैंने लिया है ये बायोटेक के मॉइस्चराइजर, जो कि मुझे चाहिए थे मॉइस्चराइजर, मेरे जो है वो खत्म हो रहे थे, इसीलिए मैंने तीन चार जो है वो मॉइस्चराइजर खरीदे हैं। और आप देख सकते हो ये है बायोटेक का, तो इसमें एक है बायो वाइट ऑर्चिड, आप देख सकते हो ये इसकी फ्रेग्रेंस बहुत ही अच्छी है। देन फ्रेग्रेंस तो दोनों की अच्छी है और अच्छी है इसमें, ये आपकी स्किन को वाइटनिंग ब्राइटनिंग भी करता है। और नेक्स्ट जो है वो है बायो गोटू कोला, बहुत ज्यादा अजीब सा नाम है। और ये मुझे मिले हैं आई थिंक इसकी एमआरपी जो है वो 99 रुपीज है, बट ये मुझे मिले हैं 80 रुपीज में, आई थिंक 80 या 60 ऐसे कुछ समथिंग मिले हैं, जो भी मिले हैं यहाँ पर मैं मेंशन कर दूंगी उसे। और नेक्स्ट मैंने लिया था, मेरे पास जो स्केच लाइनर है वो मेरे सारे के सारे बेकार हो गए थे, तो एक मैंने लिया है ये, तो नेक्स्ट मैंने लिया है ये ब्लू हेवन का लाइनर, स्केच लाइनर। तो मेरे स्केच लाइनर जो है बहुत सारे ये मतलब ऑलमोस्ट खत्म ही हो गए हैं, तो इसीलिए मैंने लिया था। अच्छा है ये, और ये कैसा है तो मैं अंदर से आपको दिखा रही हूँ, बट गाइस बहुत ही अच्छे प्राइस में मुझे मिल रहा था तो मैंने फटाफट से इसे ग्रैब कर लिया फटाफट से ही। तो ये जिस टाइम आया था उस टाइम शायद ये 250 का था, करते 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 बहुत ही ज्यादा कम हो गया। तो आप देख सकते, तो बहुत ही अच्छा है ये, तो इसे ट्राई करूंगी मैं फर्स्ट टाइम, तो आपको जरूर बताऊंगी।